ओके हाय एवरीवन, मेरा नाम मनीष मनीष पवार है और आपका इस वेलनेस मंत्रा चैनल में स्वागत है। और मैं एक वीडियो पॉडकास्ट, ये नया एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम जितने भी हमारे लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं जिनका भी अच्छा रिजल्ट आया है, उनका उनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अमेजिंग पर्सन है आज मेरे साथ जो कि ग्वालियर से है, मध्य प्रदेश से, और हर्बल लाइफ के साथ जुड़ने से पहले वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और वो वहाँ ग्वालियर में आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और उनसे ज़्यादा शॉर्ट में हम बात करेंगे और मैं ज़्यादा कुछ बोलने से अच्छा चलो हम उनको इनवाइट करते। तो प्लीज़ वेलकम अरविंद पावक सर, और आज हम उनसे अमेजिंग बात करने वाले। यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे ओके। सो हो आज आप? आज सर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो जैसे कि पहले तो बताइए आपके बारे में, थोड़ा बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है और वो तो उससे ज़रा शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हेलो गाइस, मेरा नाम अरविंद पावक है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। और मैं इस वर्क को करते करते मुझे 6 ईयर हो चुका है कंप्लीटेड। एंड हमारे बीच में आज मनीष जी ने मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू मनीष जी। मनीष जी एक ऐसी मिसाल है जो सबकी मदद करते हैं। मैं एक बात और कहूंगा आप लोगों से, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था ना, तो मैं मुंबई आया था और मनीष जी ने बहुत अच्छी मदद की थी। और एक दूसरे की सब करना चाहिए। मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था और सोसाइटी में सिक्योरिटी का वर्क करता था। एक्चुअली मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी, आना जाना, 12 घंटे ड्यूटी करना, कभी 24 घंटे ड्यूटी करना, तो कभी 36 36 घंटे ड्यूटी करना। कोई ऐसा लगता था कि मतलब मेरी लाइफ ना लोगों को सल्यूट करने में निकल जाएगी। नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब लाइफ में अब क्या होगा। बट जब कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब इंतजार करना चाहिए। ऐसे ही मैं ग्वालियर में करता था और मुझे एक फ्लायर मिला था जिसमें लिखा था वर्क फ्रॉम होम, मतलब पार्ट टाइम फुल टाइम, खुद का स्वयं रोजगार। ओके, तो मैंने उसको पढ़ा और मैंने कॉल किया। तो मैंने कहा हेलो सर, मुझे वर्क चाहिए। तो उन्होंने कहा आप आ जाइए। एक्चुअली लाइफ बहुत खतरनाक होती है सर, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। मैं गया मीटिंग में और बहुत सिंपल था, सभी लोग देख रहे थे ये क्या है ये क्या है। देखो तो जो छोटा आदमी होता है उसको अगर 20,000 भी 20 का भी चेक दिखा दो उसको तो बहुत लगता है, क्योंकि सबको सलूट करता था। अगर उसके सामने कोई 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति, कोई 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति, कोई 50,000 कमाने वाला व्यक्ति, तब उसको फर्जी लगेंगे, राइट? तो मैं ऐसी एचओएम में गया था, सबसे एक एचओएम होता है अपॉर्चुनिटी मीटिंग, और मैंने उसको देखा समझा तो मुझे तो सब ऐसा ही लगा कि सब बेकार है। तो मैं मीटिंग करके निकल आया, मेरे सीनियर का कॉल आया कि सर आपको कैसा लगा। मैंने कि मुझे तो कुछ समझ में ही आया। एक्चुअली मेरे सीनियर ने बोला आप काम करना चाहते हो कि अपनी लाइफ ऐसे निकालना चाहते हो। मैंने कि सर मैं क्या काम करूंगा। एक्चुअली मन मेरा कह रहा था करो, और मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि यार इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, क्योंकि वो ये कहते थे बिजनेस में क्या है, बिजनेस तो रईसों का काम है, अपना तो लोगों की गुलामी करना काम है। पर मैं, 3 लोग आए थे और मैंने अकेला ज्वाइन किया था। मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए, काम करना स्टार्ट किया, करता गया करता गया करता गया, बहुत अच्छा किया। और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो बहुत लो था, ये कोर्ट, ये स्टैट, ये फोन, आज मैं दो दो फोन अर्निंग करता हूँ। बेसिकली मैं 40,000 तक के फोन चलाता हूँ। इससे पहले एक फोन चलाता था कीपैड, जो मैंने ज्वाइन करने के लिए उसको बेच दिया था।
मेरे पास पैसा नहीं था, और एक्चुअली लाइफ ऐसी हो गई थी कि मत कुछ मत कहो। मैंने देखा, सोचा और स्टार्ट किया। मन कह रहा था कुछ करो, कुछ आपका होगा। मैंने स्टार्ट किया, करता गया करता गया करता गया, क्योंकि मेरा एक्चुअली सर वेट भी कम था, मेरा वेट था 43। सर आपको पैसा मिल सकता है, आपको हेल्प कहीं मिल सकती है क्या? बट सबसे नहीं। अच्छी चीज थी इस कंपनी में, आपको दोनों चीज मिल रही थी, हेल्थ एंड वेल्थ। सबसे अच्छी बात है कि आप पैसा तो कमा सकते हो, क्या आप हेल्थ कमा सकते हो? नहीं। आप जितना भी पैसा कमाते हो सब वेल्थ वाला हेल्थ में सब इन्वेस्ट कर देते हो। मतलब ये बोलते हैं ना, जितना हमने कमाया सब डॉक्टर को दे दिया। अच्छी बात है, बट अपनी बॉडी को भी मेंटेन करना, उसको देखना, सब चीजें कंट्रोल करना बहुत अच्छी बात हेल्थ रिजल्ट क्या है? हेल्थ रिजल्ट है। आपने बेसिकली फेस मेरा पहले 43 वेट था, अब मेरा 58 kg वेट है। और मैं पहले ऐसा दिखता था जैसे अगर आंधी आएगी मैं उड़ जाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता था। और मुझे मतलब बोलते ना, हमेशा गुस्सा सिर में, मतलब सिर के ऊपर गुस्सा रहता था। अगर कोई कुछ कह देता तो तुरंत चिल्लाने लगता था। खुद का चेंजिंग आया, वेट गेन किया। पहले लोग कहते थे भाई पहले खुद को तो चेंज कर ले। मैंने कहा ये बात तो सही कह रहे हो सर। इस कंपनी का जो न्यूट्रिशन है ना, अमेजिंग है। मतलब ये सोचो, लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात नहीं है। अरे भैया, अगर एक बार आपने इस न्यूट्रिशन को खाके देख लिया, खरा सोना है, खरा सोना। आप सोना पहनते हो, आप अंगूठियां पहनते हो, आप चेन पहनते हो, पर ये जो न्यूट्रिशन है ना, सोने से कम नहीं है। और मैंने इसको यूज किया, स्टार्ट किया, मुझे हेल्थ भी मिली, मुझे वेल्थ भी मिली। आई थिंक मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, सोचो मत, करो, और करोगे तभी कुछ कर सकते हो। आप सोचोगे कि अरे मैं सोचता हूँ ये करता हूँ, मत सोचो। सोचने के लिए समय कभी आता ही नहीं है। आपका 1 मिनट रिटर्न नहीं आ सकता, आपका 5 मिनट रिटर्न नहीं आ सकता, आपका 10 मिनट भी रिटर्न नहीं आ सकता। आ सकता है क्या मनी? यस नहीं आ यस। सकता। और मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप क्या टूल्स यूज करते हो आपका बिजनेस करने के लिए, और आपका क्या एवरेज इनकम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, देखिए मैं 1-to-1 करता हूँ, मैं कैंप भी करता हूँ, और मैं लोगों को डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं लोगों से जाके डायरेक्ट बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम अरविंद पावक है, मैं लोगों की मदद करता हूँ। क्या मैं आपकी 2 मिनट मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वो बोलते हैं नहीं, तो कहता हूँ थैंक यू। अब थैंक यू का मतलब क्या होता है? हम आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो मैं आपसे अगर कोई बोलता है नहीं, तो आपकी स्माइल आपको वो नंबर दे सकता है। बेसिकली मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मेरे वेट कम था तो मुझसे लोग मना कर देते थे, जा रहे तेरा पहले खुद को चेंज कर। पहले मैंने डिसीजन लिया, मैंने पहले खुद को चेंज करूंगा, उसके बाद खुद के अंदर चेंज आ। मैंने पहले खुद के अंदर बदलाव लाया, है ना। मैंने 43 से 58 पे आया, मेरे मसल्स अच्छे हुए और मेरी बॉडी के अंदर काफी चेंजिंग्स आया। मैंने स्टार्ट किया और आज की डेट में मैं 58 पे हूँ। अगर मैं किसी के सामने खड़ा हो जाता हूँ ना, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट बात कर सकता हूँ, तो बिना बात करे जा नहीं सकता। और एक्टिविटी में बहुत अच्छा करता हूँ, कैंप भी करता हूँ और एक्टिविटी भी करता हूँ, और खुद का न्यूट्रिशन क्लब अर्निंग करता हूँ। मेरे न्यूट्रिशन क्लब में पर डे 20 शेक बनते हैं। ऑनलाइन मेरे वर्कआउट भी चलते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छी बात है,
आप न्यूट्रिशन क्लब भी अर्निंग कर सकते हो इसमें। आप लोगों के यहाँ मॉर्निंग में आते हैं लोग शेक पीने के लिए, फ्रेश पीने के लिए। ये हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, फ्रेश टू मॉर्निंग के टाइम हम रखते हैं। सबसे पहले मुझे ये चाहिए, ये लेमन फ्लेवर है, अमेजिंग है। हाँ तो आप बेसिकली यस आपका ऑनलाइन भी और ऑफलाइन ऐसे दोनों एक्टिविटी यस यस, है। मैं दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग करता हूँ। ओके ठीक है, ग्रेट सर। और आपका फेवरेट इसमें से न्यूट्रिशन कौन सा है वो बताइए और क्यों है? एक्चुअली मेरा फेवरेट है शेक। ओके तो शेक शेक क्यों, शेक ही क्यों, बाकी का क्यों नहीं, शेक क्यों आपको क्योंकि ज्यादा सर पसंद है? हमारे खाने में जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है ना, उसको हमारे शेक में मिलता है, इसलिए मेरा सबसे फेवरेट है। एक टाइम मैं खाना भी छोड़ दूंगा बट शेक जरूर पीऊंगा। मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही वो है। ओके ग्रेट सर। सो काफी अच्छा लगा आपका बैकग्राउंड और आपकी स्टोरी सुन के। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है और फिर उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनसे जो क्वेश्चंस आए वो मैं आपको पूछूंगा, दो तीन क्वेश्चंस। सो एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका एवरेज अर्निंग क्या है, चेक और कैश मिला के कितना अर्निंग है आपका? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मुझे फर्स्ट चेक आया था 2700 रुपये का। मुझे हर मंथ चेक आता है एंड लास्ट मंथ मेरा चेक आया था 21,000 का, और मैं अर्निंग करता हूँ 25। रिटेल इनकम है। आप कहीं भी जॉब करते हो ना तो ओनली एक इनकम मिलती है, ओनली सैलरी, पर यहाँ मैं दो अर्निंग करता हूँ। टोटल मेरा होता है 46,000 पर मंथ इनकम मैं अचीव करता। वाह ग्रेट ग्रेट बट जब मैं अचीवमेंट। कितना सिक्योरिटी गार्ड था तब मुझे सर कितना मिलता था पता है आपको? मात्र सर? 8,000 रुपये, फोर्टी ओ तो कहाँ पे 8,000 और कहाँ पे ये जैसे आपने सिक्स कहा 46,000, राइट? अमेजिंग अमेजिंग। सो देख सकते हो आप, और एक सिक्योरिटी गार्ड जो था 7-8 हज़ार रुपया कमा रहा था और आज जो है 46,000 चेक और कैश मिला के कमा रहे हैं। सो ये अमेजिंग है और यही मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे लोगों को। और इसके साथ ही सर अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे जो व्यूवर्स है उनके कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको पूछूंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये न्यूट्रिशन लेने के बाद वर्कआउट करना जरूरी है क्या, उसके बारे में यस सर बताइए। यस यस यस, 20% वर्कआउट कंपलसरी है, क्योंकि 20% वर्कआउट आप करोगे तो आपकी बॉडी की जो नीड होती है वो कंपलसरी है, और 80% न्यूट्रिशन तब 100% रिजल्ट आता है। ग्रेट सर। और दूसरा क्वेश्चन है क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है क्या? सर खाना खाने से कभी साइड इफेक्ट आता है क्या? हमारे भोजन में कोई दिक्कत है क्या? हम खाना खाते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में एंड डिनर में। हमारा ये हमारा खाना है, कोई दवाइयां नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, ये शुद्ध भोजन है। जो हम बोलते हैं आटे में या किसी भी चीज में हम बोलेंगे नहीं। आप मान लीजिए हम सब्जियां खाते हैं वो शुद्ध है क्या? हर चीज में कुछ ना कुछ कमी है, बट मैं एक ही बात कहूंगा, हमारा भोजन एक खाना है, कोई केमिकल नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, नेचुरल हमारा भोजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल 94 कंट्री में इस चीज को यूज किया जाता है, एंड 43 ईयर कंप्लीटेड हो चुके इंडिया के अंदर। एंड अमेजिंग फ्रूड है, और इस चीज को आप यूज करोगे आई थिंक बहुत ही जबरदस्त खाना है। आप खाओ फिर इसके रिजल्ट पाओ। सब एक बात कहते हैं, पहले मुझे रिजल्ट चाहिए, पहले मुझे रिजल्ट चाहिए तब मैं विश्वास करूंगा। दूसरे का रिजल्ट कोई नहीं मानता, पर मैं एक ही बात कहूंगा, पहले खाओगे नहीं तो पाओगे कैसे? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि इसी यस प्रोडक्ट से वजन भी कम होता है और इससे ही वजन गेन होता है, जैसे आपने वजन गेन किया है तो ये कैसे यस यस। पॉसिबल है, इसके बारे में जरा बताइए। एक्चुअली जो हमारा खाना है ना, हम मॉर्निंग में अगर वेट लॉस करना है तो हमें खाली पेट शेक पीना है, पहले फ्रेश पीना है और उसके बाद शेक पीना है, राइट? और हमारी बॉडी को
कितना पानी चाहिए वो जरूरी है। 20 पर केजी पे 1 लीटर, अगर आपका 80 केजी वेट है तो 4 लीटर। अगर आप खाली पेट शेक पीते हो तो आपका वेट लॉस होता है, अगर आप कुछ खाके शेक पीते हो तो आपका वेट गेन होता है। ओके, ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। और सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको एक लास्ट अगर कुछ मैसेज देना है तो दे सकते हैं, और फिर हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। ओके, मैं लास्ट मैसेज एक ही चीज का दूंगा। देखिए, पहले खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना है तो सोचो मत, करके दिखाओ। आप सोचोगे तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आप करते हो तो बहुत कुछ हो सकता है। मनीष जी, आपने मुझे कहने का मौका दिया, और थैंक यू ऑल सब्सक्राइबर, लाइक करो और ऑल लोगों की मदद करो, और हमारे मनीष सर का चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यस सर, यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू। फॉर योर टाइम, और काफ़ी अमेजिंग था आपके साथ बात करके, और आपको भी शुभकामनाएं, आप भी काफ़ी अलग अलग लेवल अचीव करें, आपका भी ग्रोथ हो। तो ये सेशन मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, और ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट मैं यहाँ इस चैनल पे लेके आऊँगा, और ताकि आप जो है एजुकेट हो जाए इस चैनल के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, सो मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच।